सहारनपुर थाना सदर बाजार के अहमदबाग कॉलोनी में पेंट व्यवसायी के यहाँ दिन दहाड़े हुई थी लूट की घटना का खुलासा। 5 अभियुक्त गिरफ्तार, 1 फरार। सहारनपुर अहमदबाग पाश कॉलोनी में दिन दहाड़े हुई डकैती का वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर द्वारा तत्काल संज्ञान लेते हुए अभियुक्तों को शीघ्र गिरफ्तारी हेतु थाना सदर बाजार टीम के साथ क्राइम ब्रांच को भी लगाया गया है, जिसके क्रम में पुलिस अधीक्षक नगर एवं क्षेत्र अधिकारी द्वितीय सहारनपुर के कुशल नेतृत्व में थाना सदर बाजार पुलिस एवं क्राइम ब्रांच की संयुक्त टीम के अथक प्रयासों से दिनांक 7/4/2022 की मध्य रात्रि को एक सटीक सूचना मिली कि वहीं गैंग के किसी बड़ी लूट की वारदात करने के इरादे से अल्टिगा एवं वैगनार गाड़ियों में सवार होकर सहारनपुर आया हुआ है। देर रात्रि में थाना सदर बाजार एवं क्राइम ब्रांच की संयुक्त टीम द्वारा उक्त गाड़ियों का पीछा करते हुए न्यू आवास विकास कॉलोनी के पीछे बदमाशों को घेर लिया और अपने को घिरता देख 6 बदमाशों द्वारा पुलिस पार्टी पर ताबड़तोड़ फायरिंग भी की गई। अचानक हुई फायरिंग से प्रभारी निरीक्षक सदर बाजार हरेंद्र सिंह एवं क्राइम ब्रांच से मुख्य आरक्षी अमरदीप घायल हो गए। फिर भी पुलिस पार्टियों ने अदम्य साहस का परिचय देते हुए बदमाशों की घेराबंदी करके काउंटर फायरिंग करते हुए 5 बदमाशों को गिरफ्तार कर लिया, जिनमें से 3 बदमाश गोली लगने से घायल हो गए। सभी घायलों को इलाज हेतु जिला अस्पताल रवाना किया। मौके से लाखों रुपए कैश, डॉलर व अल्टिगा कार, वैगनार कार, भारी मात्रा में असला, जिंदा व खोखा कारतूस बरामद हुए। गिरफ्तार अभियुक्तों के विरुद्ध थाना सदर बाजार व अन्य आवश्यक कार्रवाई करते हुए माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है। मंडल ब्यूरो सहारनपुर, हैदर अंसारी। देखिए, 4 दिन पहले एक लूट की घटना हुई थी। एक पेंट व्यवसायी हैं सरदार पृथ्वीपाल सिंह जी, उनके घर पर दिन दहाड़े लूट की घटना हुई थी, जो बाद में हमें पता चला कि उसमें 6 लोग इन्वॉल्व थे। तो एक्चुअली डकैती की घटना थी, जिसमें हथियार के दम बल पर सीबीआई अधिकारी बनते हुए लोगों ने उनसे इनके 1 लाख रुपए उनसे निकाल लिए थे और इसके अलावा भी उनके दूसरी लॉकर से कई लाख रुपए और ज्वेलरी और बाकी उनके पर्सनल सामान निकाल लिया था। तो इस घटना का अनावरण करते हुए हम लोगों ने 5 लोगों को गिरफ्तार किया है, जिसमें से 3 लोग पुलिस मुठभेड़ में गिरफ्तार हुए हैं, उनको गोली लगी है, अस्पताल में उनका इलाज चल रहा है। हमारे पुलिस इंस्पेक्टर हैं, उनको भी गोली लगी है, उनका भी ट्रीटमेंट चल रहा है। इस गैंग का मुख्य सरगना जो है ध्याना गुर्जर है, ये कल रात की पुलिस मुठभेड़ में भागने में सफल हो गया। इस ये घटना ऐसे शुरू हुई कि सुमित मलिक नाम का एक व्यक्ति है, जो यहाँ पर पहले मैनेजर था और सरदार जी को पहले से पूर्व से परिचित था, वह घटना से पहले वह और विकास शर्मा नाम के व्यक्ति दोनों ने उनके घर में पहुंचकर रेकी करी और टीम के बाकी सदस्यों को बताया। और घटना के दौरान 2 सदस्य अंदर रहे और बाकी 4 लोग, एक व्यक्ति अर्टिगा कार से और एक व्यक्ति वैगनार कार से इंतजार करते रहे ताकि उन लोगों को भागने में मदद दे सकें। और एक बोरी में भर के, जैसा कि सीसीटीवी फुटेज में आप लोगों ने देखा होगा, वो जो सामान था, कैश था, ये सब ले गए और उन्होंने फिर दोबारा आकर घटना करने का प्रयास किया है, जिसमें हम लोगों ने मुठभेड़ के बाद उनको गिरफ्तार किया। करीब 3,62,000 रुपए और $2,000, जो कि 1.5 लाख रुपए से ज्यादा है, यानी कि कुल 5 लाख रुपए से भी ज्यादा की वैल्यू की करेंसी हम लोगों को रिकवर हो गई है। काफी असली रिकवर हो गए हैं, जो पर्स है, मोबाइल फोन है, वो रिकवर हो गया है। और इसमें से एक व्यक्ति है केवल जो भागने में सफल हो गया है, उसमें भी हम लोग शीघ्र गिरफ्तारी करेंगे। इसमें गैंगस्टर एक्ट की कार्रवाई होगी, एनएसए की भी कार्रवाई होगी और इसमें मेरे द्वारा 25,000, आईजी साहब द्वारा 50,000 और प्रमुख सचिव गृह महोदय द्वारा भी 1 लाख रुपए का कैश अवार्ड दिया गया है पुलिस टीम के उत्साहवर्धन हेतु। तो ये निश्चित ही बहुत ही कठोर तरीके से इसमें मेहनत करके पुलिस टीम को लगना पड़ा, एसपी सिटी के नेतृत्व में, जिससे कि ये घटना का पर्दाफाश हुआ है, जिसकी मैं बहुत प्रशंसा करता हूँ। सर, ये